हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक और वीकली मेन्यू प्लान। इस वीकली मेन्यू प्लान में ज़्यादातर इंडियन रेसिपीज़ हैं जिन्हें हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट आइटम्स में एग की रेसिपीज़ इंक्लूड की हुई हैं। अगर आप कुछ खास दिनों पर एग पसंद नहीं करते हैं तो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप उन आइटम्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन रेसिपीज़ के लिंक दिए हुए हैं। डे वन या मंडे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं कैरेट पराठा। इसे चाय या दही या रायता के साथ सर्व किया जा सकता है। कैरेट पराठा बहुत ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला ब्रेकफास्ट है। एक बिजी मॉर्निंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप कैरेट पराठा की रेसिपी चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। लंच में बना सकते हैं मेथी छोले। इसे करी या ड्राई किसी भी तरह से बना सकते हैं। साथ में चपाती, योगर्ट, रायता या सैलेड के साथ सर्व किया जा सकता है। डिनर में प्रिपेयर कर सकते हैं बैंगन भरता, चपाती और सैलेड के साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं। डे टू या ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं बीन्स ऑमलेट। इसे टोस्टेड ब्रेड और जूस के साथ सर्व कर सकते हैं। बीन्स ऑमलेट भी कैरेट पराठा की तरह 15 से 20 मिनट में बन जाने वाली डिश है। अगर आप ट्यूसडे को एग पसंद नहीं करते हैं तो इस ब्रेकफास्ट ऑप्शन को आप किसी और दिन के लिए रख सकते हैं और उसकी जगह कुछ और चूज कर सकते हैं। लंच में बना सकते हैं आलू गोभी मसाला। इसे चपाती, रायता और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। रायता आप अपनी चॉइस से वेज रायता, बूंदी रायता या कोई भी रायता पिक कर सकते हैं। डिनर में बना सकते हैं गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी एक राजस्थानी डिश है। ये करी होती है और इसे बेसन के गट्टे को टमाटर की करी में पकाकर बनाया जाता है। इसे आप चपाती या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ में सैलेड सर्व कर सकते हैं। डे थ्री यानी वेंसडे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं मेथी ओट्स थेपला। इसे रायता या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथी ओट्स थेपला बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आप फ्रीक्वेंटली अपने ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। लंच में बना सकते हैं अरबी मसाला। इसे चपाती, फ्रूट रायता और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। डिनर में रख सकते हैं आलू मेथी की सब्जी जो कि ड्राई होती है। इसे चपाती और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप ड्राई सब्जी पसंद नहीं करते हैं तो साथ में कोई करी या दाल बना सकते हैं या फिर कोई रायता रख सकते हैं। डे फोर या थर्सडे को बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में हनी ओटमील पैनकेक। पैनकेक बच्चों को तो पसंद होता ही है, साथ ही बड़ों को भी पसंद आता है। ओटमील हनी पैनकेक बनाने के लिए हमें ओट्स और व्हीट फ्लावर और उसमें हमें एग मिला करके उसका बैटर बनाते हैं। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लंच में बना सकते हैं कढ़ाई मशरूम। कढ़ाई मशरूम में मशरूम को कढ़ाई मसाले में टमाटर की ग्रेवी में पकाकर बनाते हैं। कढ़ाई मशरूम को चपाती, दही और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप राइस के साथ पसंद करते हैं तो राइस के साथ भी कढ़ाई मशरूम सर्व किया जा सकता है। डिनर में बना सकते हैं होल मूंग दाल करी। इसे भी चपाती और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो दाल के साथ चावल सर्व कर सकते हैं। डे फाइव या फ्राइडे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं प्लेन पराठा। इसे हमस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमस उबले हुए छोले से बनाया हुआ एक डिप होता है जो कि मिडिल ईस्टर्न डिप है। बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला होता है और इसे बनाना भी आसान है। इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लंच में बना सकते हैं कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा कद्दू। इसे चपाती, सैलेड और बुरानी रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। बुरानी रायता में लहसुन का छौंक लगा हुआ होता है। अगर आप बुरानी रायता की जगह कोई और रायता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी नोट करके रख सकते हैं। डिनर में बना सकते हैं मसाला परवल। इसे चपाती और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। अक्सर लोगों को परवल पसंद नहीं होता है लेकिन मसाला परवल में परवल को टमाटर की ग्रेवी में बनाया गया है जो कि काफ़ी अलग रेसिपी है, तो आप चाहें तो इस रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। डे सिक्स या सैटरडे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड को बेसन के बैटर में डिप करके हम डीप फ्राई करते हैं। इसे चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। लंच में बना सकते हैं बीन्स बोरियाल। इसे फ्रेंच बीन्स या किसी भी ग्रीन बीन्स से बना सकते हैं।
साथ में तुवर दाल, इसे राइस, दही और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। बीन्स पोरियाल को चपाती के साथ भी सर्व किया जा सकता है। डिनर में पास्ता व्हाइट सॉस में बना सकते हैं। डे 7 यानी संडे छुट्टी का दिन। मोस्टली इस दिन लोग हैवी ब्रंच करना पसंद करते हैं और इसीलिए सुबह को कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट में प्लान कर सकते हैं टोस्टेड ब्रेड विद ऑनियन ऑमलेट। लंच में बना सकते हैं अमृतसरी छोले और कुलचे। आप इसकी जगह कोई और स्पेशल चीज़ अगर प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। डिनर में बना सकते हैं दलिया खिचड़ी और इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच मेन्यू प्लान्स एंड मोर रेसिपीज टू कम। थैंक्स अ लॉट।